अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हुए हम एक मिस्टेक करते हैं। आप वीडियो देख रहे हो, बताएं कहीं आप तो वो मिस्टेक नहीं करते। अगर आप ये कहते हैं कि आई हैव अ गुड न्यूज़, दिस इज़ इनकरेक्ट। आपको कहना चाहिए आई हैव गुड न्यूज़। क्यों? क्योंकि न्यूज़ अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम अ एन ऐड नहीं करते, ठीक है? आप यूँ कहेंगे आई वॉज वॉचिंग न्यूज़, आई हैव गुड न्यूज़ For you. अगर आप ये कहते हैं he did not went there or he did not completed his work, this is incorrect. आपको कहना चाहिए he did not go there or he did not complete his work. देखिए, जहाँ भी word did आएगा ना, मेन वर्ब से पहले क्वेश्चन में आता है या नेगेटिव में आता है, आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज करनी होगी। Pull, push. What's the difference? क्या फ़र्क है? हम जब किसी शॉप पे जाते हैं तो बड़ा बड़ा उन्होंने लिखा हुआ होता है pull the door और push the door, और हम opposite direction में उसको खोलने की कोशिश करते हैं और वो हमसे दरवाज़ा नहीं खुलता है। Pull कहते हैं जी अपनी तरफ खींचना, खींचने को कहते हैं जी pull करना। Push means धक्का देना, ऑपोजिट डायरेक्शन में ना, जैसे आप खड़े में आप उसको पुश करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में धक्का देंगे तो वो हो जाएगा जी पुश। एनओसी फुल फॉर्म, एनओसी आपको कोई भी इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी जो है वो आपको इशू करती है, और एनओसी का फुल फॉर्म है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट।